बल्लभगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी पराग शर्मा ने हवन यज्ञ के साथ अपना जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। शिव भक्त पराग शर्मा का कहना है कि ईश्वरीय कृपा से उन्हें वो सब मिला है जिनकी उन्हें इच्छा हुई है। अब हल्के के लोगों की सेवा को अपना सौभाग्य वो मानेंगी। उन्हें भरोसा है कि उन्हें अपनी बेटी अपनी बहन मानकर यहाँ के लोग उन्हें काबिल बनाएंगे। बल्लभगढ़ विधानसभा में भी चुनावी गहमा गहमी बढ़ गई है। यहां से पूर्व विधायक योगेश चंद्र शर्मा की बेटी श्रीमती पराग शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से शिक्षा और छात्र राजनीति में सक्रिय रही पराग शर्मा अब नेशनल यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा यूथ कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट हैं। शनिवार को हवन यज्ञ के साथ पराग शर्मा ने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया। अगर सत्य ना हो तो यह भूमि भी टिकी नहीं रह सकती थी और मेरा अपने परमात्मा पर अटल विश्वास है। ईशा वासा मिद सर्व यत किंच जगत्या जगत एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स गॉड इज लिविंग। और मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान से मेरी हाथ जोड़कर यह प्रार्थना है कि जितना संघर्ष पराग ने किया है उसे परमात्मा सफल करे। उनकी ही कृपा से रानी को टिकट मिला है। पराग का निकनेम रानी है, रानी को उन्हीं की कृपा से टिकट मिला है और अब विजयश्री भी उन्हीं के हाथ है और स्वयं परमात्मा रानी की कमान इसी तरह संभाले जैसे अर्जुन की कमान पार्थ सारथी बनकर भगवान कृष्ण ने संभाली थी। जय श्री कृष्णा, जय छतरपुर वाले गुरुदेव महाराज, जय श्री प्रभु जी महाराज। गौरतलब है कि परिवार के दिए संस्कारों और सामाजिक गतिविधियों के कारण वो आ लीडर विद अ डिफरेंस भी मानी जा सकती हैं। आपने उन्हें परखा हुआ है, जिसको परख लिया है और जो आपकी उम्मीदों पे पैमानों पे खरा उतरा है, क्यों ना उनकी बेटी को भी एक मौका दिया जाए जो उनसे भी बढ़कर आपकी सेवा कर सके, आपकी लड़ाई लड़ सके, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, आपकी आवाज को बुलंद कर सके, वो आवाज जो 10 साल से दबाई गई है। इधर बल्लभगढ़ में भी चुनावी बिसात बिछने लगी है कांग्रेस और बीजेपी के बारे में अपने अपने दावे। मैं यही की बात नहीं कर रहा, पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ। पूरे स्टेट में कांग्रेस आएगी पूरे बहुमत से आएगी और बीजेपी के 20 मुश्किल से सीट आएंगी। सर ये बहुत पुरानी विधानसभा है, 74 से गोदर सिंह यहाँ पे वो एमएलए होते थे, तो ये पहले विधानसभा की परिसीमा बदल दी गई है। वे जहाँ हम खड़े हैं इसकी पहचान नारसिंह प्लेस से नाम से शुरू हुई है और यहाँ के राजा थे वो। तो रही आपने वोट की बात की, अभी यहाँ पे त्रिकोण में मुकाबला हो चुका है। जो बीजेपी के कैंडिडेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और शारदा राव जो ठोर जो निर्दलीय हो चुके हैं उनका भी बहुत अच्छा है वर्चस्व है। और अभी जब पार्टी कांग्रेस का तो एक अपना अहम वही है, लेकिन बाकी सब लोगों के ऊपर डिपेंड है, मैं इसमें अकेला कह सकता हूँ। गौरतलब है कि बाकी जगहों के साथ साथ यहाँ भी कांग्रेस की बागी शारदा राठौर मैदान में है। अब सभी की नजरें 16 सितंबर पर टिकी हैं। कौन कहाँ कहाँ मानता है, बैठता है या अड़ा रहता है। हरियाणा के विकसित जिले फरीदाबाद से सटी बल्लभगढ़ विधानसभा में भी मुकाबला जोरदार होने की उम्मीद है। यहाँ कई बार लगता है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में कूदने से जो बागी प्रत्याशी है मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे समय गुजरेगा आने वाले दिनों में समीकरण साफ होते जाएंगे। ये बल्लभगढ़ महाराजा नाहर सिंह की धरती है। महाराजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के राजा होते थे और जाट कम्युनिटी के लोग सूरजमल जी की तरह राजा नाहर सिंह को भी पूजते हैं, क्योंकि वो जाट समुदाय से थे और देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। आक्रमणकारियों का हमलावरों का उन्होंने मुकाबला किया और बहादुरी के साथ लड़े। कैमरामैन मनोज कुमार, सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, बल्लभगढ़ विधानसभा।